हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जैसे कोई भी चार्ज होता है, उस चार्ज के पास पास में अगर हम कोई भी टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसे हम चेक करते हैं, इसके पास में कोई भी चार्ज ले जाके कि वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा है। तो जब इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के पास में लेके जाते हैं तो ये एक फोर्स क्या करता है, ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। और वही जो फोर्स होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इसके थ्रू जनरेट फील्ड की वजह से होता है और इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी कि इस टेस्ट चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लगता है, या तो अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, तो वो आपको कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब इस टेस्ट चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इसके थ्रू जो फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये चार्ज स्टैटिक है इसलिए इस पर जो फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो फोर्स लगाया जाएगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव के पास लाने पर ये रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, और ये माइनस है तो माइनस प्लस लाने पर अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स होता है उनका क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो फोर्स और इसका टेस्ट चार्ज है, इन दोनों का रेशियो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों कहा गया, क्योंकि अगर ये टेस्ट चार्ज इसके बिल्कुल पास में है तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और दूर जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी फील्ड लाइन्स क्या हो जाएगी, जित पास में है तो फील्ड लाइन्स क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और दूर जाने पर फील्ड लाइन्स कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे डिपेंड करती है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी एसआई यूनिट बात करोगे तो फोर्स की वैल्यू होती है न्यूटन, और चार्ज की होती है कूलाम। तो नीचे कूलाम आता है, ऊपर लेके जाएंगे तो कूलाम का यूनिट्स हो जाएगा। डायमेंशन की जब बात करोगे तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स का यूनिट होती है डायमेंशन यूनिट M1 L1T-2, और चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर टाइम। ठीक है, एम्पियर टाइम होती है, क्योंकि जो करंट होती है I=Q/T होती है, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, I×T। तो I जो होता है करंट होता है, और टाइम यानी T, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगी। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि E=F(Q) है, तो F=E×Q0 है, मतलब ये कि अगर हमें चार्ज की वैल्यू पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो हम फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ओ पॉइंट पर एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर पी पॉइंट पर क्या है, एक क्यू नोट चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैसे इफेक्ट करता है वो देखते हैं। मतलब ये ओ पॉइंट पर एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर एक पी पॉइंट, इस पर क्यू नोट चार्ज है, मतलब टेस्ट चार्ज है। अब देखिए, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गया, बाहर की तरफ, अगर माइनस होता तो अंदर की तरफ होता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया। अब कूलाम्स लॉ से हम जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में अगर आर डिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला होता है बराबर के, ठीक है, Q0/R2। इसको फर्स्ट मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E=F/Q0 होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 को 1 में पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे F की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो E=F की वैल्यू रखो K Q0 Q0/R2, तो K Q0 Q Q0/R2, और ये Q0 ऐसे कैसे, इस Q0 से Q0 गया तो E=KQ/R2 हो गया, तो E=KQ/R2, और R डैश क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, O से P की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो इधर होगा, ठीक है, इधर होगा तो P से O की ओर होगा, तो यहाँ होगा इस तरह से। अगर आप इसको ग्रुप ऑफ चार्जेस की बात करें तो मैं यहाँ पे एक चेस्ट चार्ज Q0 रख देता हूँ, यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और ये Q1 है, ये Q0 से इस Q1 की डिस्टेंस है R1, Q2 से इसकी डिस्टेंस है R2, Q3 से इसकी डिस्टेंस है R3, और Qn से डिस्टेंस है Rn। इस Q1 इस Q0 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया E1, और Q2 का इस Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया E2, Q3 का E3, और Qn का Rn हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन सभी की वजह से होगा, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो E=E1+E2+E3+EN, ये हम लगा देंगे। अब यहाँ पे E की वैल्यू हमने निकाली KQ/R2, अभी E1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
मतलब k की वैल्यू 1/4π0 होती है, q1 अपॉन r1 का स्क्वायर, ठीक है, r1 वेक्टर आ जाएगा। e2 की वैल्यू निकालेंगे तो q2, क्योंकि यहाँ पे e है, e की वैल्यू kq अपॉन r स्क्वायर करिए, e1 होता तो चार्ज q1 के हिसाब से होता, तो e2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, q2 अपॉन 4π0 r2 का स्क्वायर और r2 वेक्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी तो कितनी हो गई, e2 की बात करोगे तो e2 क्या हो गया, q2 का q0 पर जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से होगा q2। इस तरह से qn 4π0 rn का स्क्वायर और rn हो जाएगा। अब यहाँ से 1/4π0 आप कॉमन ले लेंगे, ये ले लेंगे, यहाँ q1 r1 का स्क्वायर r1 कैप, इस तरह से ये बच जाएगा अंदर। अब यहाँ पे देखिए 1/4π0 ऐसे कैसे है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से, इसको मैं आई की फॉर्म में लिख सकता हूँ, आई की वैल्यू 1 से n अगर हम समेशन की फॉर्म में लेंगे तो इसको अगर आई लिख लें तो आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इस तरह से 1, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर तो सभी में है तो स्क्वायर मैंने लगा दिया, यहाँ 1, 2, 3 ये नंबर चेंज हो रहे हैं, इसको मैंने आई से डिनोट कर दिया, और आर कैप जो है उसमें भी आर कैप 1, आर कैप 2, आर कैप 3 है, तो इसको मैं आर आई कैप लिख देता हूँ, मतलब जो नंबर वेरिएबल है, मतलब देखो स्क्वायर यहाँ फिक्स है, इसको मैं स्क्वायर ही कर देता हूँ, लेकिन यहाँ 1, 2, 3 ये चेंज हो रहे हैं तो इसको आई की फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया 1/4π0 QI RI का स्क्वायर RI। तो ये आपका था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।